शांत हो जाइए, अपनी श्वासों पर ध्यान कीजिए, एक एक श्वास को महसूस कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए श्वासों को। अब आप अपने दाएं पैर के दाएं अंगूठे को देखिए, आंखें बंद किए हुए, पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरे शरीर की एकाग्रता को अपने अंगूठे पर ले आइए। अंगूठे को देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को महसूस कीजिए, इनके रंग रूप को देखिए, आंखें बंद किए हुए, इनके आकार को देखिए, देखते रहिए। अब धीरे धीरे अपने नीचे की तरफ आइए, टखने पर ध्यान करेंगे, अपने पैरों के या कहें पंजों के टखने पर ध्यान करेंगे। टखने को देखते रहिए, पैरों में पंजों में होने वाली समस्त समस्याएं दूर होंगी आपके ध्यान करने से। अब धीरे धीरे अपनी पिंडलियों पर ध्यान कीजिए, पिंडलियों पर ध्यान कीजिए, पिंडलियों को देखिए आंखें बंद किए हुए। शरीर की समस्त ऊर्जा अपनी पिंडलियों पर लगा दीजिए, लगा दीजिए। देखते रहिए, देखते रहिए। अब धीरे धीरे अपने घुटनों पर ध्यान करेंगे, घुटनों को देखते रहिए, इनके आकार को, इनमें होने वाली हलचल को महसूस कीजिए। ऐसी भावना कीजिए कि मेरे सभी रोग दोष दूर भाग रहे हैं, मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं। देखते रहिए घुटनों को। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जंघा प्रदेश पर ध्यान करेंगे, जंघा प्रदेश पर ध्यान करेंगे। देखते रहिए, देखते रहिए। पूर्ण शरीर की ऊर्जा जंघा प्रदेश पर लगा दीजिए, सभी रोग दोष समस्याएं इसके नियमित अभ्यास से दूर होने लग जाएंगी। अब आप नाभि प्रदेश पर ध्यान करेंगे, नाभि पर ध्यान। नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु को महसूस कीजिए। नाभि के रंग रूप आकार को देखिए, कैसी बनावट है हमारी नाभि की, उसे महसूस कीजिए। नाभि को देखते रहिए, नाभि में होने वाली उस धड़कन को महसूस कीजिए, नाभि के स्पंदन को महसूस कीजिए। आपकी नाभि स्पंदन कर रही है, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और हृदय पर ध्यान कीजिए,
हृदय पर ध्यान कीजिए, अपने शरीर की हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए, हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। हमारा हृदय धड़क रहा है, क्रियाशील है, उसे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। देखते रहिए, आंखें बंद किए हुए संपूर्ण ऊर्जा अपने हृदय पर लगा दीजिए। हृदय को देखते रहिए पूर्ण एकाग्रता के साथ। यह स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। हमारा शरीर पूर्ण शांत चित और रिलैक्स महसूस कर रहा है। अब धीरे धीरे कंठ पर ध्यान देंगे, कंठ प्रदेश पर ध्यान देंगे, गले पर ध्यान करेंगे। देखते रहिए गले को, देखते रहिए कंठ को। कंठ संबंधी सभी रोग दूर हो रहे हैं। शरीर में रोम रोम में होने वाली हर हलचल का आपको आभास होने लग जाएगा। देखते रहिए कंठ प्रदेश को, इसमें पैदा होने वाला जलंधर रोग दूर होगा। नियमित अभ्यास से आपका मन शांत होगा। दिमाग में मचा हुआ तूफान झंझावात शांत होगा। अब धीरे धीरे नासिका प्रदेश पर ध्यान करेंगे। नासिका को देखिए, नासिका के आकार को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए नासिका के आकार को। अब धीरे धीरे भ्रूमध्य में ध्यान करेंगे। मस्तक के बीच में, भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। देखते रहिए अपने आज्ञा चक्र को, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब धीरे धीरे चोटी पर ध्यान करेंगे, सहस्रार पर ध्यान करेंगे, चोटी के बीच में ध्यान करेंगे, चोटी के बीच में ध्यान। देखते रहिए, देखते रहिए, जो कि एक सहस्र कमल दल है हमारी चोटी में, 1000 कमल दल। उस सहस्र कमल दल सहस्रार पर ध्यान करेंगे, चोटी के बीच में। देखते रहिए। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ से भी इसको दोहराएंगे और धीरे धीरे पूरे शरीर को शांत एवं सुन कर देंगे। आपके समस्त रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दिमाग में मचा हुआ विचारों का तूफान शांत हो जाएगा और आप ऐसे ही लेट जाइए। रात को करोगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। कम से कम सोने से पहले इसका अभ्यास अवश्य करें, अवश्य करें, और सुबह उठ करके भी करें तो दी बेस्ट है। ओ, यह है शवासन, योग निंद्रा, विश्रात्मकासन। ओ ओ।